हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा टियारा। मैं हूं करोबी और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 10 लुक किस तरह से आप पल्लू को सर पे रख के स्टाइलिश दिख सकते हो। और 5 लुक्स में बताऊंगी दुपट्टे के साथ और 5 लुक्स में बताऊंगी पल्लू को, आप साड़ी के पल्लू को किस तरह से सर पे रख के स्टाइलिश दिख सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। और अभी मैं और ज्यादा बातें नहीं करूंगी, आज वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो इसे एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देखेंगे दुपट्टे को किस तरह से हम सर पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे सूट का ही ये दुपट्टा है वो लिया है और इसको लेफ्ट साइड में इस तरह से पिनअप कर लूंगी। और यहाँ पे टाइम शो हो रहा है तो अगर आपको बस साड़ी का पल्लू किस तरह से लेना है वो देखना है तो सीधा आप इस टाइम से आप देख सकते हो। तो मैंने दोनों साइड से इस तरह से पिनअप कर लिया है दुपट्टे को। जिस साइड से हमें दुपट्टे को सर पे लेना है उस साइड को थोड़ा लॉन्ग रखेंगे और बस रेडी है ये फर्स्ट लुक। सिंपल सा ये तरीका है, आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसमें इस तरह से दुपट्टे को सबसे पहले हम प्लीट्स कर लेंगे, छोटे छोटे करके प्लीट्स करेंगे। और अगर दुपट्टा सॉफ्ट होता है तब तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, पर दुपट्टा थोड़ा हार्ड होता है वो बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है और इसको हम सेफ्टी पिन की मदद से ही बस सेट कर सकते हैं। तो मेरा ये दुपट्टा सॉफ्ट है तो इसको मैं इस तरह से लेफ्ट साइड में पिन अप कर लूँगी। और इस पार्ट को मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है और अभी इस दुपट्टे के बॉर्डर में मैंने एक सेफ्टी पिन लगा लिया है ताकि सर पे जब हम लेके तो ये अच्छे से सेट होके रहे। और एक बॉबी पिन इसके थ्रू हम निकालेंगे ताकि दुपट्टा बिल्कुल भी ना इधर उधर हो और अच्छे से सेट होके रहे। आप चाहे तो लेफ्ट साइड में भी एक सेफ्टी पिन लगा सकते हो तो ये बिल्कुल भी नहीं कुछ होगा और बस ये लुक रेडी है। नेक्स्ट है दुपट्टे को कुछ इस तरह से सबसे पहले प्लीट्स कर लेंगे छोटे छोटे करके और अच्छे से सेट कर लेंगे। और जितना हम अच्छे से प्लीट्स करेंगे उतना ही अच्छे से दुपट्टा बहुत ही देखने में अच्छा लगेगा। और बस इस तरह से मैं लेफ्ट साइड में इसको ले लूँगी और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है दुपट्टे को कुछ इस तरह से छोटे छोटे करके प्लीट्स करूँगी और सेफ्टी पिन की मदद से इसको हम सिक्योर करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी इधर का उधर ना हो और अच्छे से प्लीट्स दिखे। तो बस इस तरह से मैं आपको एक दिखा देती हूँ, इस तरह से हम अंदर के साइड से सेफ्टी पिन लगाएंगे और बस ये प्लीट हमारा इस तरह से हो जाएगा। और आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, कुछ भी है आपको जिसमें बहुत ही कोई काम करना पड़ेगा फिर भी आप इस तरह से दुपट्टे को सेट कर सकते हो। देखने में बिल्कुल यूनिक सा एक तरीका है, अगर आप में से कोई इस तरह से करते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और बस इस पार्ट से हम सर पे पल्लू को इस तरह से ले लेंगे। और मुझे पर्सनली ज़्यादा सर पे पल्लू लेना अच्छा नहीं लगता, पर अगर आपको लेना पड़ता है और तो आप इस तरह से ले सकते हो। मैं थोड़ा जो नीचे से जो पल्लू लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में कुछ इस तरह से, और मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इस तरह से लेना जब भी लेती हूँ तो। और ये ज़्यादा मुझे स्टाइलिश लुक आता है इस तरह से, और तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है इस तरह से दुपट्टे को हम प्लीट्स कर लेंगे और इसको मैंने राइट साइड में इस तरह से ले लिया है और सेफ्टी पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लूंगी। तो अभी दूसरे साइड से हमें थोड़ा सा प्लीट्स करना है और इसको लेफ्ट साइड में इस तरह से हम कमर के साइड में इसको अंदर से पिन अप कर लेंगे ताकि सेफ्टी पिन जो है वो ना दिखे और कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। और बस इसको अभी हम सर पे पल्लू भी कर लेंगे और इसको एक बॉबी पिन के मदद से मैं सिक्योर कर लूँगी। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, अच्छा लगता है देखने में। नेक्स्ट है दुपट्टे को कुछ इस तरह से हम लेंगे,
और ये तो सबका पसंदीदा है और हम हर टाइम ये कर सकते हैं। घर का काम करने में भी इस तरह से करके आप कर सकते हो, और जो भी दुपट्टा इस तरह से सर पे लेते हैं उनको ये पता भी है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जिनको नहीं पता वो इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ इस तरह से, दुपट्टे को फिर से हम अच्छे से सेट कर लेंगे और दोनों साइड से इस तरह से लेंगे। और अगर दुपट्टे में आपके बॉर्डर है तब ये ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये जो हम करेंगे अभी। ना है तो भी कर सकते हो। कुछ इस तरह से दोनों साइड में हम पिनअप कर लेंगे। दोनों साइड में पिनअप करने के बाद अभी बीच के पार्ट से हम सर पे पल्लू करेंगे और पल्लू को सिक्योर कर लेंगे कोई सेफ्टी पिन के मदद से, और ये अच्छे से इस तरह से रहेगा। अभी मैं यहाँ पे एक बेल्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे दुपट्टे जो सूट है उसमें बहुत वर्क है सामने में, तो मैं ये सिंपल सा एक बेल्ट यूज कर रही हूँ। अगर आपका दुपट्टा जो सूट आप पहने हो वो बहुत ही सिंपल है तो आप कोई कुछ हैवी वर्क वाले या फिर कोई भी डिज़ाइनर कुछ भी बेल्ट आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, और बस ये लुक भी रेडी है। अब देखेंगे कि साड़ी में हम किस तरह से पल्लू सर पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले लुक में मैंने इस तरह से छोटे करके प्लीट्स कर लिया है, और जब भी हम इस तरह से साड़ी को ड्रेप करते हैं और दुपट्टा पल्लू सर पे लेते हैं तो कुछ पिन जो है हमारा सेफ्टी पिन जो है वो थोड़ा पीछे लगाइए आप, तो बैक साइड में, तो आप बहुत ही अच्छे से ये रहेगा भी, और सर पे आप कोई भी इस तरह से करोगे तो आप घर का कोई भी काम कर सकते हो या फिर कहीं पे जाना है तो भी आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैंने आप देख सकते हो मैंने पल्लू को इस तरह से सामने लेके आ गई हूँ, और इस तरह से बीच के पार्ट से मैंने सर पे पल्लू किया है, और इस तरह से भी बहुत लोग करते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और मैंने एक सेफ्टी पिन लगा लिया है दोनों ही हिस्से को जोड़ के, और यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज पहना है वो आप देख सकते हो फ्रंट ये ओपन नहीं है, तो इस तरह के अगर ब्लाउज आप पहनते हो तो बहुत ही अच्छा है, कोई भी स्टाइल कर सकते हैं हम। ये कुछ क्रॉप टॉप की तरह दिखता है, और बस इसको पल्लू को मैंने कुछ इस तरह से किया है। तो अगर इस तरह से भी आप में से कोई करते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और मैं करती हूँ कभी कभी इस तरह से जब साड़ी पहनती हूँ। तो हाथ भी बिल्कुल फ्री है, आप कोई भी काम कर सकते हो, आप चाहे तो कोई डांस करो कुछ करो, बिल्कुल नहीं हिलता। नेक्स्ट है, जब हम कुछ इस तरह से साड़ी ड्रेप करते हैं और फिर सर पे पल्लू करना पड़ता है, तो अगर हमने हेयर पे कोई एक्सेसरीज लगाया है, गजरा लगाया है, तो वो छिप जाता है, और कई जगह दुपट्टा सर पे करना मस्ट होता है, तो उस सूरत में आपका जो आपने जो हेयर एक्सेसरीज लगाया है या फिर जोड़ा बनाया है वो छिप जाता है। तो इस तरह का कोई नेट का दुपट्टा आप ले सकते हैं और फिर आप पल्लू कीजिए, तो जो भी आपने हेयर एक्सेसरीज लगाया है वो भी शो हो पाएगा और एक अलग सा लुक भी क्रिएट होगा आपका। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जो दुपट्टा है वो थोड़ा शॉर्ट लिया है क्योंकि मेरे साड़ी से ये मैच करता हुआ दुपट्टा है, तो आप कोई भी दुपट्टा इस तरह से लीजिए जो मैच करता हुआ है और कीजिए, बिल्कुल आपका एक अलग लुक क्रिएट होगा, और इस तरह से बाहर भी आप इसे निकाल सकते हो, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ये सिंपल सा है, हमें से बहुत सारे लोग करते हैं, पल्लू को इस तरह से पिनअप करके छोड़ दीजिए और फिर सर पे पल्लू कीजिए, और ये हमेशा ही आप अच्छे दिखोगे इस तरह से। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।